तो अभी तक 2000 जो लीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा। पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज ये है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्या। कैसे आए? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर सरकारी नौकरियां दोगे आप? उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग? आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते, और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप? पाकिस्तान और बांग्लादेश कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? अभी 2-3 दिन पहले केंद्र सरकार ने सीए का कानून पास किया था। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाया कि सीए कैसे देश के लिए बेहद खतरनाक कानून है और इसे वापस लिया जाना चाहिए। आज सुबह माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, जो कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके ऊपर उन्होंने बयान जारी किया है। उसी का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मैंने उनका बयान सुना माननीय गृहमंत्री जी का। अपने पूरे बयान में जो प्रश्न मैंने कल उठाए थे, उसका किसी भी एक भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मुझे गाली गलौज किया है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। मुझे छोड़ दीजिए, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, देश इंपॉर्टेंट है, देश के 140 करोड़ लोग इंपॉर्टेंट हैं, उनकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज हम पूरा देश मिलके, सारी सरकारें मिलके अपने देश के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ हैं, जो इतनी भारी संख्या में बाहर से आप पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को हमारे देश में लाके बसाना चाहते हो, उनको नौकरियां कहां से दोगे? उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी? पहले अपने बच्चों के लिए तो नौकरी का इंतजाम कर लो। ये मेरा कल मूल प्रश्न था, उनके लिए घर कहां से आएंगे जो आप इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तान से बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो, वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? अपने देश में इतनी गरीबी है, अपने देश में ऑलरेडी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, उनको कहां से लाके बसाओगे? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश गए थे और बहुत सारे लोग वहां से इधर आए थे। अब जो ये माइग्रेशन इस सीए की वजह से होने वाला है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन होने वाला है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनका कहना है कि सीए के तहत इनके अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत में आके रहना चाहेंगे तो उन्हें उस बात की मंजूरी दी जाएगी, उन्हें हमारे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इन तीनों देशों में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मिला के लगभग 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है, उनके पास रोजगार नहीं है। भारत में आ तो आना और भारत की नागरिकता मिलना उनके लिए तो बहुत बड़े सपने की तरह है। और अगर हमने भारत के दरवाजे खोल दिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन 2.5-3 करोड़ लोगों में से अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए तो कहां बसाया जाएगा उनको, क्या करेंगे उनका? ये मेरा प्रश्न था माननीय गृहमंत्री जी, जिसका जवाब आपने नहीं दिया। आपका यह कहना है कि 2014 से पहले के लोगों को, जो आ चुके 2014 से पहले, उनको बसाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद आना बंद हो गया? 2014 के बाद भी आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। तो अभी तक 2000 जो इलीगल माइग्रेंट आते थे, जो घुसपैठिए हमारे देश के अंदर आते थे, वो डरते थे कि अगर आ गए तो हमें निकाल देंगे, हमें पकड़ लेंगे, हमें जेल में डाल देंगे। उन्हें डर रहता था क्योंकि वो इलीगल थे। अब आप ये कानून लाके उनको लीगल बना रहे हो, अब उनका डर खत्म हो जाएगा।
पूरे तीनों देशों के अंदर अब मैसेज यह है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं। आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्य। कैसे आए? आपकी मिलीभगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? पूरे देश में कहां कहां आपने रोहिंग्यों को बसा रखा है? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज जो 2014 के पहले भी आए थे, हमारे देश के अंदर उनके अधिकार नहीं है। आप उनको नागरिकता देके अब सरकारी नौकरियों दी जाएंगी उनको। पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को हमारे देश के अंदर अब सरकारी नौकरियां दोगे आप? उनको उनके राशन कार्ड बनाएंगे हम लोग? आज दिल्ली के अंदर 72 लाख लोगों के राशन कार्ड हैं, वो कम पड़ते हैं। हम बार बार केंद्र सरकार को लिखते हैं, भाई हमारे दिल्ली के अंदर गरीब ज्यादा है, राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत दो। उनके राशन कार्ड बढ़ाने की इजाजत नहीं देते, और पाकिस्तान से लाके उनके राशन कार्ड बनाओगे आप, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के? ये तो सही नहीं है। हमारे देश के लोगों के अधिकार मार के आप उनके उनके लोगों को अधिकार दे रहे हो। सरकारी पैसा हमारा पैसा है, सरकारी पैसा 140 करोड़ लोगों का पैसा है, हमारे टैक्स का पैसा है। पाकिस्तानियों ने टैक्स नहीं दिया, बांग्लादेश के लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इस देश के लोगों ने टैक्स दिया। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहां लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, ये मंजूर नहीं है इस देश के लोगों को। कृपया इसको, मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं कि कृपया इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया? क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? इसी को लेकर मैं चिंतित हूं माननीय गृह मंत्री जी। मेरी मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए, और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। अमरी इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेशन के इमिग्रेंट्स को रोकते हैं, और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? अगर आपको लाना ही है बाहर से लोगों को, हमारे देश में पिछले 10 साल में 11 लाख उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए, केंद्र सरकार की भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार की वजह से। अगर लाना है तो इनको वापस लेके आइए, ये हमारे ही देश के लोग हैं, ये भी भारत के लोग हैं। ये 11 लाख लोग देश को छोड़ के चले गए, ये वापस आएंगे, ये अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा है, ये आएंगे फैक्ट्री लगाएंगे, दुकानें खोलेंगे, व्यापार करेंगे, लाखों बच्चों को रोजगार देंगे। इनको लेके आइए ना, पूरा देश आपका साथ देगा।